हेलो, नहीं ये बताऊँ क्या खा के पैदा करा। बताऊँ क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आजकल मैं जहाँ खड़ा हो जा रहा हूँ ना, तो लड़कियों की लाइन लग जा रही है। हाँ, अरे सुनो, मैं भी लिफ्ट में खड़ा हुआ हूँ और तीन लड़कियाँ ऐसे ताड़ रही हैं कि क्या ही बताऊँ। नहीं, स्मार्ट वो नहीं है, स्मार्ट मैं हूँ। नहीं, क्योंकि देखो मम्मी, मुझे पता है आपने अखरोट खाए, बादाम खाए, जभी तो मैं बाहर आया। अच्छा, है ना। अब पापा को देख लो, पापा इतने स्मार्ट हैं, साइड वाली आंटी भगा के ले गई, है ना। अब पापा का असर मेरे पे तो जाएगा। हाँ, साइड वाली आंटी भगा के ले गए, और उसके बाद मेरे पापा पता है क्या बोल रहे, एक काम करो, वो जो साइड वाली आंटी है ना, उसके जो साइड वाली आंटी है उसको तू भगा ले। अरे यार, ऐसे कैसे होता है। मम्मी, तुमने कुछ समझाया नहीं क्या पापा को? पापा की बढ़ती उम्र के हिसाब से पापा बच्चे बने जा रहे हैं। बताओ, नाना को देख लो, नाना हो गए 86 साल के, लेकिन बोलते हैं देख क्या आंटी जा रही है। अरे यार, उनकी ऊपर जाने की उम्र है ना, कि किसी को देखने की, है ना। हाँ हाँ, अरे हाँ, मुझे पता है, अरे मुझे पता है मैं स्मार्ट हूँ। हाँ, और लड़कों जैसा मैं हूँ ही नहीं, और सब लड़कियों को मैं धोखा ही देता हूँ, मतलब धोखा नहीं देता किसी लड़की को मैं, क्योंकि मेरे अंदर कुछ खूबी है। हाँ, क्योंकि वो खूबी मेरे को किसानों ने दी है। अरे बहुत हल चलवाया मेरे से। हाँ, खेती करी है मैंने, बहुत आलू के बोरे चुराए हैं। इसी चीज़ को देख के ना लड़की इंप्रेस हो जाती है मेरे से। पता क्या बोलती है, देखो आप ना मेरे पति बन जाओ, क्योंकि मेरे घर पे खाने के लिए कुछ है नहीं, तो बोरी चुरा के लाना। ससुर जी भी मान जाते हैं, यूँ बोलते दहेज तो चाहिए नहीं, आलू के बोरे चाहिए। हाँ नहीं, मैं तो दहेज के अरे खिलाफ हूँ बहुत, दहेज के खिलाफ हूँ मैं बहुत। लेकिन पता क्या हुआ, अब मैंने अंकल से बोला कि एक बात बताओ, आपकी लड़की क्या दरी पे सोएगी? फिर अंकल ने बोल दिया, कोई बात नहीं बेटा, हम आपको बेड दे देंगे। मैंने बोला देखो ठंडा पानी नहीं है, तो अंकल ने बोल दिया फ्रिज दे देंगे। मतलब मांगा नहीं मैंने, अंकल ने खुद ही दिया है, ठीक है, और बाकी बाद में बताऊंगा तुम्हें। बात ये बात पापा तक पहुंचनी नहीं चाहिए, और ना वो साइड वाली आंटी तक, ठीक है, बाद में बात करूंगा, क्योंकि लड़कियां लाइन मार रही है अभी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या, ठीक है।